ठाकुर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। ठाकुर साहब, आपने एक प्रोग्राम शुरू किया है सोशल मीडिया पे मुद्दे नालागढ़ के। बिल्कुल जी, बिल्कुल, मुद्दे नालागढ़ ने शुरू किया है। तो आप इसके बारे में हमें बताइए कि ये क्या प्रोग्राम है और इस पर आप कैसे काम कर रहे हैं। नालागढ़ एक ऐसा चुनाव क्षेत्र है जो इंडिया के मानचित्र पर उभर कर आया है। ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया बन चुका है। यहाँ पर जैसे जैसे इंडस्ट्री आई है उसके हिसाब से यहाँ पर समस्याएं भी बहुत तगड़ी आई हैं। उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए मैंने एक मुहिम चलाई है मुद्दे नालागढ़ दे, जिनकी तरफ चाहे हमारे चुने हुए विधायक और लीडर भी हैं, वो अपने तरीके से कितना उठा पाते हैं, कितना कर पाते हैं, मैं नहीं उस चीज़ को समझता, क्योंकि उसी कड़ी के तहत मैं दो दिन पहले नालागढ़ हॉस्पिटल में चला गया तो वहाँ पर जब मैंने देखा बहुत सारी लेडीज थी जो जिनके बच्चे होने थे, वहाँ कहते गानी डॉक्टर नहीं है, जेडी डॉक्टर नहीं है, बच्चों का स्पेशली डॉक्टर नहीं है, औरतों का डॉक्टर नहीं है। मेरी सरकार से ये अनुरोध है कि इन जो इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया होने के नाते यहाँ पर कम से कम जहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 100 बेड का हॉस्पिटल है, उसके हिसाब से डॉक्टर भी होने चाहिए।